आइए हम बात करते हैं अपने चैनल आरजे सी न्यूज के माध्यम से। मैं चांद खान, पिछड़ा विधानसभा के दो युवा समाज सेवी मोहम्मद अकरम खान जी, खान हेल्थ क्लब वार्ड नंबर 13, जो आजकल पिछड़ा विधानसभा के क्षेत्र में आसपास में काफी अच्छे छाए हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाके राशन ये पहुंचा रहे हैं। आइए दो बातें मैं उनसे करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। अकरम खान जी, ये बताइए आप, जिस दिन से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से देश में लॉकडाउन लगाया, उस दिन से आप ये जनता की सेवा कर रहे हैं, आपका ये विचार आपके दिमाग में कहां से आया? बहुत बहुत शुक्रिया चांद भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, उसके दूसरे तीसरे दिन से ही हमने मुहिम अपनी शुरू कर दी है। आपने देखा जैसे आसपास बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं, दिहाड़ी पेशा मजदूर हैं, तो लॉकडाउन चलते उन सबकी वे ऑफ इनकम सब खत्म हो गई, काम बंद हो गए, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैंने अपने भाई लोगों से सबसे बात की, हमने एक टीम बनाई, एसडीएम साहब से परमिशन ली, उन्होंने हमें एरिया भी दिया, उसके बाद जो है हमने ये काम स्टार्ट किया और हमने अपना नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह दिया और हमारे पास जो भी कॉलें आई हमने सबको राशन मुहैया कराया। तहसील में जो है कॉलें आती थी वो हमें वहाँ से नंबर प्रोवाइड कराते थे, जो भी जिसको भी राशन की ज़रूरत होती थी सबको हमने राशन मुहैया कराया और आज तक हमारी ये मुहिम चल रही है। आज हमें 46 दिन हो गए हैं इस मुहिम को चलाते हुए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने आपको सम्मानित करा है आपके कार्यों से, आपने कार्य जो बहुत अच्छा कार्य करा, जनता की सेवा करी है, तो इसके बारे में आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता की तारीफ की अपने पेज पर, और जब इतना बड़ा पार्टी का चेहरा आपकी तारीफ करता है तो आपका मनोबल वैसे ही इतना ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा काम जो हमने ये किया उसमें हमें करने में आसानी हुई, हमारा मनोबल बढ़ा, पूरी टीम जो है उससे प्रोत्साहित हुई और हमने जो है लगन के साथ जो है दिन रात इस काम में हम लगे रहे। हमने अपना नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह दिया और हमारे पास जो भी कॉलें आई हमने सबको राशन मुहैया कराया। तहसील में जो है कॉलें आती थी वो हमें वहाँ से नंबर प्रोवाइड कराते थे, जो भी जिसको भी राशन की ज़रूरत होती थी सबको हमने राशन मुहैया कराया और आज तक हमारी ये मुहिम चल रही है। आज हमें 46 दिन हो गए हैं इस मुहिम को चलाते हुए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने आपको सम्मानित करा है आपके कार्यों से, आपने कार्य जो बहुत अच्छा कार्य करा, जनता की सेवा करी है, तो इसके बारे में आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता की तारीफ की अपने पेज पर, और जब इतना बड़ा पार्टी का चेहरा आपकी तारीफ करता है तो आपका मनोबल वैसे ही इतना ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा काम जो हमने ये किया उसमें हमें करने में आसानी हुई, हमारा मनोबल बढ़ा, पूरी टीम जो है उससे प्रोत्साहित हुई और हमने जो है लगन के साथ जो है दिन रात इस काम में हम लगे रहे। अच्छा, अभी आपकी चर्चाएं चल रही है, जो पुराने यहाँ पर समाज सेवी हैं काफी आपकी चर्चाएं चल रही है, चर्चाएं कर रहे हैं कि मोहम्मद अकरम खान जी जो युवा समाज सेवी हैं वो लॉकडाउन में गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे समाज सेवियों के बारे में जो पुराने समाज सेवी हैं? नहीं, सभी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अभी भी कुछ लोग कंटिन्यू हैं और सबने बहुत ज्यादा, प्रशासन ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया है, प्रशासन का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और जो समाज सेवी हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा कोरोना वॉरियर्स के रूप में वो लोग जो है डटे रहे हैं और अभी भी डटे हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ये जो ये कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन जो लगाया है इसके बारे में मोहम्मद अकरम खान जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो ये बीमारी और तेजी से फैल जाती, लॉकडाउन की वजह से सब लोग सीमित हो गए, रुक गए, तो ये बीमारी हमारे देश में उस तरीके से नहीं चल पाई जिससे
आप देखिए और कंट्रीज में जिस हिसाब से इसने अपना जो है रूप दिखाया है, हमारे यहाँ इसका वो रूप नहीं आया। हाँ, भारत में जो है काफी अच्छा कंट्रोल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी कंट्रोल करा है। सुरक्षा जो है, सुरक्षा के माध्यम से बहुत तेजी, नर्स स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, पुलिस स्टाफ ने बहुत सारा सहयोग करा है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पुलिस ने, हमारे प्रशासन ने अपना घर बार छोड़कर दिन रात लगे हुए हैं वो लोग, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम खान जी। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ अपने माध्यम, अपने चैनल के माध्यम से, आज ये सी न्यूज के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जो उनके बातें हैं, उन्हें बातों को माने और सुरक्षा के दायरे में अपने घर पे रहे, मास्क का और ग्लव्स का, मास्क और ग्लव्स की तैयारी करके घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंस बना के और सोशल डिस्टेंस बना के रखें। और मैं आपके बगैर कुछ एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे रमजान का महीना है, ईद का त्योहार आने वाला है, तो मेरा सभी भाई माता बहनों से अनुरोध है कि वो कम से कम मार्केट जाएं, कम से कम शॉपिंग करें, ज्यादा से ज्यादा घर में रह के इबादत करें, ताकि ये बीमारी हमारे देश से दूर हो जाए। बस देखिए अकरम खान जी ये बात कर रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पर गरीबों की जो ईद जो आ रही है, हम गरीबों की मदद करें ईद में, जो भी हो, कोई भी गरीबों घर में कोई भूखा ना रहे, इनकी भी सोच बहुत अच्छी है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और रख रखाव सुरक्षा, हाथ धो के, मास्क ग्लव्स लगा के बाहर जाइए, आप घर में सुरक्षित रहिए। मैं चांद खान, आरजीएस न्यूज, किच्छा काशीपुर से।